हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता लग गया होगा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2021 का एग्जाम कब तक हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सीजीएल या फिर सीएचएसएल का एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है, कब तक नोटिफिकेशन आ सकती है और क्या कुछ उसमें आगे हो सकता है, ठीक है। तो बिफोर आप कमेंट करो या कुछ भी लिखो, मैं आपको दो तीन चीजें आपको पहले से बता देता हूं। एक तो ये बात कि अगर कोई ये सोच रहा है कि इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट डेट बता देने वाला हूं कि फलानी तारीख को आपका डेट है, तो भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि एसएससी ने अभी तक कोई डेट जारी नहीं किया है, ठीक है। तो हम यहां जो भी बात करेंगे वो संभावनाओं पे बात करेंगे, पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे, ठीक। मैं कोई अंतर्यामी, मैं कोई ऐसा ज्योतिष नहीं हूं जो आपको एग्जैक्ट डेट पहले से बता दूं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मैंने आपके शुरुआती एक मिनट में ही क्लियर कर दिया है। हम यहां पे पॉसिबिलिटीज की बात करने वाले हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज की बात करने से पहले ये जरा एक न्यूज पब्लिश हुई है न्यूज 18 नेटवर्क पे, ठीक है। अब जरा ये न्यूज आप लोग पढ़िए और इस पर थोड़ा सा विचार करिए कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो एक एजुकेटर हूं, ये तो मीडिया हाउसेस हैं और जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदारी बनती है इनकी कि सही खबर प्रकाशित करें, तो ठीक है। ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, इनके न्यूज 18 की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये न्यूज मिल जाएगी, एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022। अब इन महोदय को ये नहीं पता है कि 2021 का एग्जाम हुआ नहीं है अभी और इनको 22 का एग्जाम कराना है, और लिखा है इन्होंने इसी महीने सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तैयारी में ये टिप्स काम आएंगे, ठीक है। और टिप्स के नाम पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, चलिए जो भी है पुराना आर्टिकल उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो पहले तो जिसने भी आर्टिकल लिखा है उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि सर आप 2021 नहीं होगा क्या, डायरेक्ट 2022 होगा। और अगर इन्होंने ये लिखा है कि इसी महीने, मान लीजिए हम ये थोड़ी देर के लिए इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि भैया नहीं नहीं ये सीजीएल 2021 की ही बात कर रहे थे, तो अगर ऐसा भी है तो भी इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये जो न्यूज दे रहे हैं इसका सोर्स क्या है। क्योंकि मैं अगर आपको संभावना बता रहा हूं तो मैं अपने लॉजिक रीजनिंग पे आपको संभावना बताऊंगा, मेरा कोई सोर्स नहीं है। इन्होंने भी बताया तो इन्होंने ये बताया कि सोर्स क्या है, क्या इन्होंने किसी ऑफिशियल से बात करी या क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी है, ठीक। तो ये तो एक मैं इसको कहूंगा कि पूरी तरीके से फेक न्यूज है। और अगर ये मतलब मान लीजिए अक्टूबर में पहली बार तो आने वाला नहीं और आ भी जाता नोटिफिकेशन तो भी ये गलत ही रहेगा कि 2021 की बात होनी चाहिए थी, 2022 की नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इन्होंने न्यूज ये गलत छपी हुई है, ठीक। दूसरी बात करते हैं, अच्छा जो एसएससी ने पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे, उन्होंने जो पॉसिबल डेट्स दी थी, सीएचएसएल का रिजल्ट इन्होंने कहा था कि 30 सितंबर को आएगा, वो आ गया है, और सीएचएसएल टीयर 2 का भी कहा था कि 30 सितंबर को आएगा, वो भी आ गया है, सीपीओ का रिजल्ट भी पहले ही आ गया, ये भी आ गया है। 31/10 को इन्हें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, सीपीओ का फाइनल रिजल्ट, कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट और सीएचएसएल का आपका टीयर 1 का रिजल्ट 30 नवंबर को देंगे ये, ठीक है। 30 नवंबर को इन्होंने ये कहा है, 30 नवंबर, और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर का पेपर 2 है ये भी 30 नवंबर को देंगे, और सीजीएल का डेट के लिए इन्होंने बाद में कॉरिगेंडम निकाला था, 31/12 था, बाद में कॉरिगेंडम निकाल के इन्होंने उसे एक या दो दिन पहले कुछ शिफ्ट किया था, शायद 23/12 ऐसे कुछ था, ठीक है। और इन्होंने जो पॉसिबल जो इन्होंने लास्ट एग्जाम कैलेंडर निकाला था उसकी बात कर लेते हैं, तो इन्होंने कहा था कि सीएचएसएल का जो पेपर है वो 3 नवंबर को होगा और सीपीओ का पेपर ये होगा, इसके अलावा स्टेनोग्राफर का पेपर इन्होंने ये निकाला था, इसके अलावा सीपीओ का पेपर 2 के लिए 8 नवंबर डेट्स निकाली थी। तो ये सारी चीजें तो ठीक है, यहां तक की कहानी तो हमें समझ आती है कि एग्जाम का इन्होंने जो शेड्यूल निकाला वो ये है। तो एक चीज तो ये हमें समझ आई कि भैया दिसंबर तक तो ये एग्जाम लगे हुए हैं, इसका मतलब दिसंबर तक तो अभी कोई चीज नहीं होने वाली है। इसके अलावा जो सीजीएल का टीयर 1 हुआ है उसका रिजल्ट ये 31 दिसंबर को देंगे, और अगर 31 दिसंबर को उसका रिजल्ट देंगे तो पेपर मान लीजिए टीयर 2 का जो पेपर होगा वो जनवरी फरवरी के अराउंड होगा जाके, ठीक है। फिर उसके 3-4-5-6 महीने बाद उसका रिजल्ट देंगे और फिर आपका आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। तो अब अगर हम बात करें कि सीजीएल 2021 का क्या होगा, ठीक है, बात करें कि सीजीएल 2021 का क्या होगा और कब तक नोटिफिकेशन आएगी, कब तक एग्जाम इसका कंडक्ट होगा, तो इसका सिंपल सा तरीका यह है कि अभी देखिए हमारे पास कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि अगर इन्हें सीजीएल 2021 अलग से कंडक्ट कराना होगा तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इन्हें सीजीएल 2021 अलग से कंडक्ट कराना होगा तो फिर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर, अगर बहुत अच्छी किस्मत रही, और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक आएगा। अगर नोटिफिकेशन आएगा
तो नवंबर या फिर दिसंबर तक ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे सीजीएल 2021 के लिए, और फिर उसका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सीजीएल 2021 को ये सीटी के तहत साथ में कंडक्ट कराएं। ऐसी संभावना की मैं क्यों कह रहा हूं, और ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये जानबूझ केस में डिले कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते तो सीजीएल का रिजल्ट टीयर वन का रिजल्ट दे सकते थे और प्रोसेस आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये डिले कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि शायद ये सीटी के साथ एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हो। ठीक है, ये पीआईबी की वेबसाइट पर ये न्यूज अवेलेबल है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा था कि जो सीटी 2021 होगा 2022 होगा वो अर्ली 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा। इन्होंने इसमें लिखा था, इन्होंने कहा था कि दैट विल बी कंडक्टेड इन अर्ली 2022। ठीक है, कंडक्टेड फ्रॉम अर्ली 2022 आप देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो सीटी है वो अर्ली 2022 में कंडक्ट होगा, और अगर अर्ली 2022 में कंडक्ट होगा तो इसका मतलब है कि जनवरी से लेकर मार्च तक इसके होने की संभावना रहती है, और अगर ऐसा होता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो सीजीएल 2021 के का टीयर वन ना कंडक्ट करा के जनवरी और मार्च या फिर मार्च में जो भी जब भी होगा सीटी होगा उसी के तहत ये सीजीएल 2021 का को मतलब क्लब कर दे, जिस तरीके से होने वाला। जिन्हें सीटी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए वो मेरा यहां पर वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन पे मैं लगा दूंगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा, सीटी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या है सीटी और कैसे उसमें एग्जाम होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर अलग से कंडक्ट कराएंगे तो नोटिफिकेशन जनवरी दिसंबर दिसंबर नवंबर तक आ जाएगा, नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा, और अगर अगर सीईटी के साथ कंडक्ट करेंगे तो फिर वो शायद नोटिफिकेशन में और डिले करेंगे, क्योंकि जब सीईटी कंडक्ट हो जाएगा फिर उसके बाद वो सीजीएल की नोटिफिकेशन देंगे और उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो दोनों ही संभावनाएं हैं। ठीक है, अब ऐसे में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप क्या करेंगे, आप अपनी तैयारी को पूरे अच्छे से पूरे ईमानदारी से तैयारी को जारी रखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने जैसे आप तैयारी करते हैं वैसे ही पूरी तैयारी कीजिए, और बाकी के जो टिप्स होंगे जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह होंगी वो मैं आपको इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, और बहुत ही जल्द आपको कंटेंट के वीडियोस भी यहाँ पे मिलने लगेंगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो में यहीं तक है, बाकी कोई प्रमोशन कोई चीज आपको आगे नहीं मिलेगी। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग कौन सी वीडियोस चाहते हैं, आप जो कमेंट करेंगे उनको मैं जरूर कंसीडर करूंगा। तो कमेंट में मुझे बताइए कि आप किस टॉपिक के किन तरीके की चीजों को वीडियो को चाहते हैं आप। ठीक है, उनको मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मैंने फिर बताया वीडियो के शुरू में ही कंफर्म क्लियर कर दिया था कि मैं कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताने वाला हूँ, संभावना आपको दे रहा हूँ इसमें सिर्फ। ठीक है, और बाकी वो एक फेक न्यूज मतलब फेक न्यूज तो अभी नहीं कह सकते जब तक मान लीजिए अक्टूबर बीत नहीं जाता है, बट इसका कोई सोर्स नहीं, कोई आधार नहीं, और 2022 लिखना तो वास्तव में अब्सर्ड ही है। ठीक है, सो लेट्स कीप इट टिल हियर, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।